लेसन फाइव, लैंड ऑफ द फैरोहों, फैरोहों की भूमि के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। प्रायः 5000 वर्ष पूर्व जब फैराहों का शासन मिस्र में आरंभ हुआ था, तब उस सभ्यता को प्राचीन मिस्र सभ्यता कहा जाता है। वे मिस्र को एक धनी और शक्तिशाली देश के रूप में रूपांतरित किए थे, जिसका प्रभाव प्राचीन विश्व में सर्वत्र फैल गया था। वे अपने गुंबजों का निर्माण किए थे और बड़ी बड़ी मंदिर बनाने का निर्देश दिए थे। मिस्र के लोगों का विश्वास था कि सभी फैरोह भगवान के दूत हैं। प्राचीन मिस्र के लोग गुंबज एवं मंदिरों में अंकित चित्रों का व्यवहार करते थे, जिसे वे चित्रलेखा कहते हैं। पैपिरस पेड़ की पतली पतली छालों को कागज बनाने के लिए व्यवहार किया जाता था। चित्रों में प्रस्तुत निमोक कहानी में एक बच्चा के विस्मित होने का वर्णन किया गया है, जो पहली बार मिस्र का भ्रमण कर रहा है। इन द लेटर टू फॉर्म मीनिंगफुल वर्ड्स एंड राइट देम इन द गिवेन स्पेसेस, तो इनको सजा कर लिखने पर एक नंबर का अप होता है, दो नंबर का बॉय होता है, और अंतिम शब्द का अक्षर लेने से एक नया शब्द बनता है, जिसको पिरामिड कहते हैं। 81 ईशान एंड हिज मदर विजिटेड, ईशान और उसकी माँ गीजा घूमने गई थी, तो यहाँ पर गीजा लिखेंगे। बी नंबर, अ पिरामिड इज अ ह्यूज, पिरामिड क्या है, तो रेक्टेंगुलर पिरामिड जो है ट्रेंगुलर शेप का होता है, तो यहाँ पर हम ट्रेंगुलर लिखेंगे। रिवर फ्लो थ्रू इजिप्ट, तो यहाँ नील लिखेंगे, रिवर नील फ्लोज थ्रू इजिप्ट। डी नंबर, द टीन एम्पायर ऑफ इजिप्ट वाज, मिस्र का किशोर सम्राट क्या था, तो टूटेन खामुन थे। एक्टिविटी टू, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विथ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट, पाठ्यांश से तथ्य लेकर निम्नलिखित वाक्यों को पूरा करो। फर्स्ट है, द फैरोज लिव्ड अराउंड 5000 ईयर्स एगो, प्रायः 5000 वर्ष पूर्व फैरोह निवास करते थे। बी नंबर, स्फिंक्स इज रॉक स्टैचू विथ ह्यूमन हेड एंड लायंस बॉडी, स्फिंक्स है एक पत्थर की मूर्ति जिसका सिर मनुष्य का और शरीर सिंह का है। सी नंबर, ईशान्स मदर वेंट टू फेच सैंडविचेज एंड वाटर फ्रॉम द कार, ईशान की माँ गाड़ी से सैंडविच और पानी लाने गई। डी नंबर, द इजिप्टियन प्रीस्ट प्रिजर्व्ड द डेड बॉडीज बाय यूजिंग स्पाइसेस केमिकल्स एंड ऑयल्स, मिस्र के पुरोहितों द्वारा शव का संरक्षण मसाला रासायनिक पदार्थ और तेल से किया जाता था। एक्टिविटी थ्री, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दो। व्हाई डू यू थिंक डैट एट द एंड ऑफ द डे ईशान टेल्स हिज मदर्स डैट ही लाइक्स हिस्ट्री,
तुम्हारे मतानुसार ईशान दिन के अंत में क्यों अपनी माँ से कहा था कि उसे इतिहास पसंद है? आंसर: अर्लियर ईशान थॉट दैट हिस्ट्री वॉज अ ड्राई थिंक बट द स्फिंक्स शोड हिम अ ग्लांस ऑफ इजिप्टियन हिस्ट्री एंड सींग दिस ईशान बीकेम वेरी इंटरेस्टेड टू हिस्ट्री देयरफॉर ही टेल्स दिस टू हिज मदर। पहले ईशान का मानना था कि इतिहास एक शुष्क विषय है, किंतु स्फिंक्स ने उसे मिस्र के इतिहास का एक झलक दिखलाया जिससे वह इतिहास के प्रति अति आग्रही हो उठा। इसलिए दिन के अंत में माँ से यह बात बोला। एक्टिविटी 4, फिल इन द चार्ट विथ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट हु व्हाट व्हेन द स्फिंक्स व्हाट showed ईशान glimpses of Egyptian history। जब स्फिंक्स उसे मिस्र की सभ्यता का दृश्य दिखाया था। When ईशान's mother went to the car, जब ईशान की माँ गाड़ी की ओर गई। Who ईशान saw the river Nile, नील नदी को देखा था। When the Sphinx showed him the Egyptian civilization before burial, मामी में रूपांतरित किया जाता था। Who? Howard Carter. What? Dug Tutankhamun's tomb. Tutankhamun के स्मारक स्तंभ के खुदाई किए थे। When? In 1922. 1922 ईस्वी में। एक्टिविटी फाइव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन कंप्लीट सेंटेंसेस। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संपूर्ण वाक्य में दो। ए व्हाई वाज ईशान्स फादर नॉट एबल टू एकम्पनी हिम टू इजिप्ट। ईशान के पिताजी क्यों उनके साथ नहीं आए? बिकॉज ईशान्स मदर ओन द प्राइज एट वेयर सिंगिंग कंपटीशन इंटाइटल्ड ओनली टू पर्सन डेट फॉर स्पॉन्सर टूर ऑफ इजिप्ट। क्योंकि ईशान की माँ संगीत प्रतियोगिता में जो पुरस्कार पाई थी उसमें सिर्फ दो व्यक्ति के लिए ही मिस्र भ्रमण का प्रावधान था। बी What does the Sphinx represent? Sphinx किसका प्रतिनिधित्व चित्रित किया है? The Sphinx represent intelligence and strength. Sphinx बुद्धिमता और शक्ति का प्रतिनिधित्व किया है। Name the biggest pyramid of Egypt. Biggest pyramid of Egypt is Pharaoh's Khufu's pyramid. Pharaoh Khufu का pyramid मिस्र का सबसे बड़ा pyramid है। Why was Ishan's mother surprised when she returned to her son? ईशान की माँ अपने लड़के के निकट वापस आने पर क्यों विस्मित हुई थी? आंसर: ईशान्स मदर वाज सरप्राइज्ड व्हेन शी रिटर्न टू हर सन बिकॉज ईशान वाज सो वेल नोन द हिस्ट्री ऑफ फैराहोज एंड इजिप्शन। ईशान की माँ अपने लड़के के निकट वापस आने पर विस्मित इसलिए हुई थी क्योंकि ईशान फैरोह और मिस्र के इतिहास के संबंध में भली भांति समझ लिया था। एक्टिविटी 6A, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ब्स। सही क्रियापदों से रिक्त स्थान की पूर्ति करो। आंसर: फर्स्ट द गर्ल डैश प्लेइंग अलोन, तो यहाँ पर इज लिखेंगे।
लड़की अकेले ही खेल रही है। सेकेंड नंबर, अ कारपेंटर एंड द ब्लैक स्मिथ डैश इन आवर स्ट्रीट, यहाँ लिव लिखेंगे, इसका अर्थ हुआ एक बढ़ई और लुहार हमारे मोहल्ले में रहता है। थ्री नंबर, द किंग डैश वेरी पावरफुल, तो यहाँ वाज लिखेंगे, राजा बहुत ही शक्तिशाली था। फोर्थ नंबर, द सिस्टर एंड ब्रदर्स डैश रनिंग इन द फील्ड, तो यहाँ पर हम लोग वेयर लिखेंगे बीच में, इसका अर्थ हुआ भाई और बहनें मैदान में दौड़ा दौड़ी कर रहे हैं। एक्टिविटी सिक्स बी, ए में इज लिखेंगे, सेकंड में इज लिखेंगे, थर्ड में इज लिखेंगे और फोर्थ में भी इज लिखेंगे। एक्टिविटी सिक्स सी, यहाँ फर्स्ट में वेल लिखेंगे, सेकंड में हेयर लिखेंगे, थर्ड में सुन लिखेंगे और फोर्थ में ब्रेवली लिखेंगे। एक्टिविटी सेवन, मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस ऑफ योर ओन विथ द फॉलोइंग वर्ड्स। मोनूमेंट, There were various famous monuments in Murshidabad. मुर्शिदाबाद में कई प्रसिद्ध स्मारक मीनारे हैं। मम्मी, Last Sunday I saw a mummy in museum. मामी, मैं गत रविवार को जादूघर में एक मामी देखा था। सिविलाइजेशन, Egyptian civilization is an ancient one. सभ्यता, मिस्र की सभ्यता अति प्राचीन है। स्पॉट, Egypt is a historical spot. मिस्र एक ऐतिहासिक स्थान है। Imagine you are Ishan. You have returned home with your mother after your visit to Egypt. Share your experience with your father who was unable to accompany you. कल्पना करो कि तुम ईशान हो, तुम अपनी माँ के साथ मिस्र का भ्रमण कर वापस आए हो, तुम्हारे पिताजी वहाँ नहीं जा सके, इसलिए उनके साथ अपनी उपलब्धियों का आदान प्रदान करो। आंसर, पापा, एट अ नाइस एक्सपीरियंस वी हैड इन इजिप्ट, आई हैड नो आइडिया ऑफ इट बिफोर, We had seen many things there, the Sphinx, the Pyramid, the Nile and the Mummy. The Sphinx was a marvelous sight. The Egypt is the gift of the Nile. The Pyramid of Khufu was the largest. The Mummy of Tutankhamun also astonished me. I began to like history after my tour to Egypt. पापा, मिस्र में हम लोगों को बहुत ही अच्छी अभिज्ञता हुई, हम लोगों ने वहाँ ढेर सारी चीज़ें जैसे स्फिंक्स, पिरामिड, नील नदी तथा मामी आदि देखे। स्फिंक्स बहुत ही सुंदर मिस्र नील नदी की देन है, खुफू की पिरामिड सबसे बड़ा है, टूटनखामुन की मामी भी हमें विस्मित किया है। मिस्र भ्रमण के बाद ही मैंने इतिहास को पसंद करना आरंभ किया है। एक्टिविटी 8A, इमेजिन वन डे यू आर वॉकिंग बैक होम फ्रॉम स्कूल, Suddenly you see something which was not there before, a strange door in old familiar building. As you touch the door, it slowly opens, inviting you to a different world. Write it about 60 words, a paragraph on your sudden visit to such a strange place using the following hints.
कल्पना करो कि तुम एक दिन स्कूल से वापस आ रहे हो। अकस्मात तुमने वहाँ कुछ देखा जो पहले वहाँ कभी नहीं था। एक परिचित पुराने मकान में अद्भुत दरवाज़ा। तुमने जैसे ही दरवाजे का स्पर्श किया वह धीरे धीरे खुला और तुम्हें एक दूसरी दुनिया में आमंत्रित किया। तुम अपने इस अद्भुत स्थान का भ्रमण संबंधित 60 शब्दों में एक अनुच्छेद की रचना निम्नोक्त बिंदुओं की सहायता से करो। आंसर: On my way back to home from school in the afternoon of that day, I had a strange experience. The desolated building of same family of singular attracted me. I stood before the building which was desolated by and ghostly. There were many snail trees inside and the walls were tottering. The calmness of the place interested me. I wanted to enter into the building to enjoy the solitude I had fearful but novel experience. उस दिन संध्या समय स्कूल से घर वापस आते समय मुझे एक अद्भुत उपलब्धि हुई। सिंगूर के सेन परिवार का वीरान मकान मुझे आकृष्ट किया। मैं उस निर्जन भूत बंगला के सामने रुका। भीतर असंख्य छोटे छोटे पेड़ थे और पक्षियां वहां शोर मचा रही थी। स्थान की निर्जनता मुझे आकर्षित किया। इस निर्जनता का आनंद लेने के लिए मैं भीतर प्रवेश किया। मुझे एक अद्भुत नई अभिज्ञता हुई। Using the information given below, write a paragraph in about 60 words on the river Nile, the longest river of the world. Activity 8B. Answer: Activity B. Using the information given below, write a paragraph in about 60 words on the river Nile, the longest river of the world. दिए गए तथ्यों के आधार पर नील नदी, जो विश्व की सबसे लंबी नदी है, से संबंधित 60 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखो। आंसर: द नील इज अबाउट 6,650 किलोमीटर लॉन्ग। इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। इट फ्लोज इन टू द मेडिट सी। It is the backbone of Egypt. It provides water and food to the people of Egypt. It helps in transportation. The soil in either side is fertile for crops. Mainly three cities, Cairo, Porsed, and Alexandria, are situated beside it. The people of Egypt are proud of the Nile. नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। यह अफ्रीका महादेश के मिस्र से होकर बहती है। यह प्रायः 6,605 किलोमीटर लंबी है। यह भूमध्य सागर में गिरती है। यह मिस्र की मेरुदंड है। यह मिस्र के निवासियों को खदान और जल देती है। यातायात मेरी भी यह सहायक है। इसके दोनों तट की मिट्टी फसलों के लिए उपजाऊ है, मुख्यतः कैरो, पोर्ट सहीद और अलेक्जांड्रिया शहर इसके तट पर अवस्थित है। मिस्र के लोग नील नदी के लिए गर्वित हैं।